मोबाइल में टच ऑटोमेटिक ही काम कर रहा है, मतलब इधर उधर काम कर रहा है। इसमें क्या करना पड़ेगा आप पूरा वीडियो को देख लेना, समझ लेना, तब आपको खुद ही समझ में आ जाएगी। देख लीजिए टच ऑटोमेटिक ही चल रहा है। नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल पर आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम सभी जानेंगे अगर हमारी मोबाइल का टच बराबर ना काम करे। देखिए, जैसे कस्टमर कहना है कि भैया ये टच बराबर नहीं काम कर रहा है, हैंग कर रही है, बोलते हैं कि हैंग कर रही है, इसको सॉफ्टवेयर कर दीजिए सही हो जाएगा। देखिए कस्टमर का कहना है, हमारा कहना नहीं है। कस्टमर ये बोला कि कभी कभी ये खोलते हैं, खुल जाती है, बढ़िया चलती है, उसके बाद ये इधर उधर काम करने लगती है। देखिए ऑटोमेटिक ये काम कर रहा है आपके सामने ही, ऑटोमेटिक कुछ दबाए नहीं है, ऑटोमेटिक अपना आप ये चल रहा है, और कभी कभी ये एकदम अच्छे चलने लगता है। आप इसको सॉफ्टवेयर कर लीजिए, आप हमारी मोबाइल सही हो जाएगी। देख लीजिए भैया, अगर आपकी मोबाइल ऐसे ही हो कि बराबर टच काम ना करता हो, ऑटोमेटिक चलता हो, देखिए दबाओ कुछ काम करे कुछ आतो ऑटोमेटिक हैंग हो जा रही है, और कभी कभी दो चार दस मिनट बढ़िया चलेगी, जैसे टीपोगे वैसे ही चलेगी। देखिए तो भैया इसमें क्या करना पड़ता है उसको बता रहे हैं, देख लेना अगर आपके मोबाइल में ऐसे ही प्रॉब्लम हो। देख लीजिए, सबसे पहले इसको सॉफ्टवेयर कराओगे तो सही नहीं होगी 100%। कोई भी मोबाइल हो, अगर आपका टच ऑटोमेटिक काम कर रहा है और कभी कभी सही काम कर रहा है, जैसे कभी कभी सही काम करने लगता है 10-15 मिनट, ये नहीं कह रहे हैं कि पूरा परफेक्ट ही हमेशा ऐसे ऐसे कर रहा है, इधर उधर भाग रहा है, कभी कभी सही हो जाता है। इस कंडीशन में हमको क्या करना है, देखिए कस्टमर का कहना है सॉफ्टवेयर कर दीजिए ये सही हो जाएगा। हम उनको कस्टमर का बोले कि भैया ये सही नहीं होगा, आप कितनों भी सॉफ्टवेयर करा लीजिए या कुछ भी करा लीजिए, मतलब सही नहीं होगा जब तक आप इसका डिस्प्ले नहीं चेंज कराओगे, मतलब फोल्डर नहीं चेंज कराओगे कि इसके डिस्प्ले में ही इसका टच है, एक टच में प्रॉब्लम है, टच इधर उधर भाग रहा है, तो आपको फोल्डर ही चेंज करवाना है, इसका टच नहीं आता है अलग से। डिस्प्ले भले ही कहूँ जाते सही है, लेकिन आपको फोल्डर ही सही करवाना है, मतलब लगवाना है नया। वो बोल रहा था कभी कभी हमारा ये सही हो जाता है, कभी कभी चलता है 15-20 मिनट आधा घंटा, फिर ये हैंग करने लगता है, गर्म हो जाती है हल्का फुल्का। मैंने बोला चलो ठीक है, लेकिन आपको ये सॉफ्टवेयर करने से कोई मतलब नहीं है, मतलब ये काम नहीं करेगा 100%। हम कर देंगे लेकिन इसमें हम जिम्मेदारी नहीं लेंगे कि आपका सही हो जाएगा या नहीं सही हो जाएगा, लेकिन आप फोल्डर बदलवा लीजिएगा, आपका 100% सही हो जाएगा, इतना हमको पता है, हम इतना दिन से काम इसमें कर रहे हैं, मोबाइल बना रहे हैं। लेकिन कस्टमर बोला चलो ना ही तुम सॉफ्टवेयर कर दीजिए, हम तुमको पैसा दे देंगे। हम बोले चलो ठीक है, हम 150 रुपये लेंगे इसका, हम सॉफ्टवेयर करके आपको दे देंगे, इसमें कोई डाटा वोटा नहीं मिलेगा आपको, ना कोई फ़ोटो मिलेगी, ना कोई नंबर मिलेगा, सब उड़ जाएगा। वो बोला चलो ठीक है, इसको करके मतलब हमको दीजिए, चाहे हमारा सही हो या ना सही हो। आपकी मोबाइल में अगर ऐसे ही प्रॉब्लम हो तो आप ये नहीं करिए, दुकानदार को जाके जो बता रहे हैं वही ही चेंज करना है, तभी आपका प्रॉब्लम सही हो जाएगा। इसका सॉफ्टवेयर करके रख दिए लेकिन ये मतलब हो नहीं रहा है एकदम ओके, इसका फोल्डर लगाना ही पड़ेगा तभी ये जाके सही होगा। देखिए अगर आपकी मोबाइल ऐसे ही टूट जा रही है, मतलब टूटी है लेकिन टूटने के पहले सही चल रही थी, बोल रहा था कि ज़्यादा लोड पा रहा है इसीलिए हैंग हो जा रहा है, ऑटोमेटिक काम कर रहा है, ऐसी कोई बात नहीं है, एक टच में प्रॉब्लम आ जाती है किसी भी किनारे से, मतलब ये टूटा हुआ है या टूटा ना रहे तब भी इधर उधर काम कर रहा है, तब भी आपके फोल्डर में ही प्रॉब्लम है। जैसे मोबाइल एकदम फ्रेश है तब भी टच ऑटोमेटिक काम कर रहा है, इधर उधर भाग रहा है, तो तब भी आपका फोल्डर ही बेकार है। नहीं तो अगर मोबाइल में टच आता है तो टच लगवा लीजिएगा, तब भी सही हो जाएगा, हर मोबाइल का टच नहीं आता है। देखिए जो अब 5G 4G सेट निकल रहा है उसके अलग से टच नहीं आता है, वही डिस्प्ले में ही उसका टच बना के कंपनी देती है। अगर आपका टच में कोई भी प्रॉब्लम हो या डिस्प्ले में कोई भी प्रॉब्लम हो, डायरेक्ट आपका फोल्डर ही चेंज होगा। देखिए ऐसे ही प्रॉब्लम रहे भैया, इसका हमको कहूँ फोल्डर ही चेंज करेंगे तभी कहूँ ओके होगा, नहीं तो नहीं होगा, ऑटोमेटिक के काम करेगा, कुछ भी हो जाए ये सही नहीं होगा। मोबाइल के विषय में जो जल्दी जल्दी प्रॉब्लम आ रही है एक से एक, कस्टमर का कहना अलग ही रहता है, पता नहीं किस माध्यम से कस्टमर कहा हमको, हमने कहा चलो ठीक है हम तुम्हारा कहा कर देते हैं, लेकिन इसमें सही नहीं होगा, हमको 100% विश्वास है। कस्टमर आएगा तब इसको अगर कहेगा लगाएंगे, नहीं तो भैया हम तो कर दिए हैं, हमारा पैसा तो बन गया है, लेकिन आप इस नहीं करिए। अगर हमारा वीडियो देखते होंगे या हमारे चैनल पे होंगे तो एक से एक मोबाइल के बारे में
अच्छी से अच्छी बात बताते रहते हैं और छोटी से छोटी प्रॉब्लम बताते रहते हैं, कैसे सही होगा, क्या इसका खर्चा है, क्या दुकानदार ले सकता है, कैसे इसको ठीक किया जाता है, सब बताते हैं। अगर हमारे चैनल पे नए आदमी हो, नए कस्टमर हो, तो हमारे चैनल को फॉलो करके रख लीजिएगा। मोबाइल के विषय में छोटी से छोटी चीज़ बताते रहते हैं और सामान का रेट भी बताते रहते हैं, मोबाइल का दुकानदार को कितना मिलता है, दुकानदार लगवाइस का कितना लेगा, सब बताते रहते हैं। अगर आपका कोई भी कमेंट हो, कोई भी मोबाइल बिगड़ी हुई हो, तो आप कमेंट कर सकते हो, मैं उसका जवाब देखूंगा तो दे दूंगा कि क्या रेट है क्या नहीं है, जो भी पूछना सकते हो मोबाइल के विषय में, जो भी पूछना चाहते हो तो हमको कमेंट कर दीजिए, हम उसको देखेंगे, जवाब दे देंगे।